अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी पोस्ट करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक्स पर। अच्छे भी बना सकते हैं खाना। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये यम्मी सा मूली का पराठा और इसकी रेसिपी मैंने अभी कल ही मम्मा से सीखी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ट्राई करूं। और भाई ट्राई कर रहा हूं तो आप लोगों के लिए मैंने सोचा इसकी रेसिपी भी लाई जाए। तो वो मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रहा हूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एफ़र्ट्स मेरे आपको कैसे लगे। और अगर आप मुझे कुछ टिप्स देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 3 मूलियों को कद्दूकस कर लिया है और इसमें डाल दिया है 2 टीस्पून सॉल्ट। और इसके बाद हम इसका पानी निचोड़ लेंगे। तो यहाँ मैंने मूली के पानी को निचोड़ लिया है और इसमें मैंने डाल दिया फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। साथ ही में मैं डाल रहा हूँ 1 टीस्पून भर करके रेड चिली पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर यह हमारी मूली के पराठे की स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम बना लेंगे मूली का पराठा। तो भाई अब पराठा बनाने का तरीका तो आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ हमें करना क्या है। पहले एक नॉर्मल चपाती बेल लेनी है, बट हमें जो बॉल होती है आटे की वो थोड़ी बड़ी उठानी पड़ेगी। और उसके बाद हम उसके अंदर स्टफिंग भर देंगे और उसको वापस से रैप करके हम अच्छे से रोल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे बना लिया है, इसकी रोटी बना ली है और हम इसे अब तवे पे सेक रहे हैं। तो यहाँ पर पराठा हमारा रेडी हो चुका है और इसे मैं सर्व करने जा रहा हूँ अपनी फेवरेट तीखी हरी चटनी के साथ। और बहुत बढ़िया लगता है ये हरी चटनी के साथ, भाई मज़ा आ जाती है। तो यहाँ मैंने इसे सर्व कर दिया है और अब आने वाली हैं आपके सामने इसकी सर्व्ड पिक्स। तो देखा ना कितना बढ़िया पराठा हमारा और कितनी आसानी से बन के तैयार हो चुका है। और बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया होता है और बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इससे आप मुझसे जुड़े रहेंगे।